नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। मैं रोहित वर्मा। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दलित महिला के कथित बलात्कार और हत्या के महीने भर के अंदर ही दलित महिलाओं के खिलाफ हिंसा का एक और मामला सामने आया है। गोंडा जिले के एक गांव में 3 नाबालिग दलित लड़कियों पर तेजाब फेंक दिया गया। तीनों लड़कियां बहनें और वारदात के समय अपने घर की छत पर सो रही। हमलावरों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई। पुलिस ने बताया कि तीनों लड़कियों की उम्र 17, 12 और 8 वर्ष है। सबसे बड़ी बहन का शरीर सबसे ज्यादा यानी 35% जल गया है, जबकि उससे जो छोटी बहन है उसका 25% और सबसे छोटी बहन को 5% जलने के घाव हैं। उन्हें एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और अभी उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार लड़कियों के पिता ने बताया कि तीनों रात के 2 बजे दर से चीखती हुई दौड़ी दौड़ी छत से नीचे आई और उसके बाद पता लगा कि उन पर तेजाब फेंका गया। पुलिस के अनुसार परिवार को अभी तक किसी पर शक नहीं है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में दलित महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध अपने आप में एक गंभीर समस्या है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार 2019 में अनुसूचित जातियों के लोगों के खिलाफ हुए अपराधों में 13.4% मामले बलात्कार थे। सबसे ज्यादा मामले 358 मध्य प्रदेश से थे और उसके बाद छत्तीसगढ़ से 10.7% मामले SC/ST महिलाओं की मर्यादा के उल्लंघन के इरादे से किए गए हमलावरों के। बलात्कार के सबसे ज्यादा मामले राजस्थान में दर्ज किए 5,957 मामले, जिनमें से 554 मामले दलित महिलाओं के साथ बलात्कार। उत्तर प्रदेश में बलात्कार के कुल मामले थे 3,065 और उनमें 537 मामले दलित महिलाओं के साथ बलात्कार। हालांकि प्रति 1,00,000 आबादी पर दलित महिलाओं के साथ बलात्कार के मामलों की दर लगभग 4.6% के साथ केरल सबसे आगे, उसके बाद 4.5% के साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान का स्थान आता है। तेजाब फेंकना भी अपने आप में एक बड़ी समस्या है। 2019 में पूरे देश में कुल 150 एसिड अटैक के मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 42 उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए और 36 पश्चिम बंगाल में, और हाथरस में 14 सितंबर को एक दलित महिला के साथ बलात्कार भी हुआ। अब इसमें जो मामला सामने आ रहा है वो थोड़ा सा न्याय संगत। महिला के बाद में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया था उसने, लेकिन मरने से पहले अपने आखिरी बयान में ठाकुर समुदाय के 4 पुरुषों पर उसके साथ बलात्कार और मारपीट का आरोप लगाया था। पुलिस चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और अब CBI इस मामले में जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन पर पीड़िता के शव को जबरन आधी रात को उसके परिवार की मंजूरी के बिना दाह संस्कार कर देने का आरोप है। थोड़ा सा न्याय संगत भी लगता है। मामले में कानूनी कार्यवाही को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई से थोड़ा बल मिला है। मंगलवार को सुनवाई के बारे में विस्तृत जानकारी सामने आई है, जिसमें स्पष्ट नजर आ रहा है कि अदालत ने पूरे मामले में पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए। मामले की जांच अब CBI कर रही है, लेकिन उसके पहले ही अदालत ने स्वतः ही मामले को संज्ञान में लिया। सबसे पहले तो अदालत ने उत्तर प्रदेश पुलिस को बलात्कार की संभावना को नकारने के लिए फटकारा। पीड़िता ने मरने से पहले अपने बयान में 4 लोगों पर उसके साथ सामूहिक बलात्कार और मारपीट का आरोप लगाया था, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा था कि किसी भी मेडिकल रिपोर्ट में वीर के नाम मिलने से बलात्कार की पुष्टि नहीं। मीडिया में आई खबरों के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस पर बरसते हुए कहा कि आपको कैसे मालूम कि पीड़िता का बलात्कार है? क्या जांच पूरी हो गई? कृपया 2013 में बने बलात्कार के नए कानूनों को पढ़ें। 2013 में कानून में संशोधन करके बलात्कार के पुष्टि के लिए वीर के मिलने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया था। यह भी प्रावधान जोड़ा गया था कि बलात्कार का आरोप दर्ज करने के लिए पीड़िता का बयान काफी नहीं है और उसे झूठा साबित करने की जिम्मेदारी आरोपी और बचाव पक्ष पर। हाईकोर्ट ने पुलिस को पीड़िता के शव का आधी रात को जबरन उसके परिवार की अनुमति के बिना दाह संस्कार करने के लिए भी फटकारा।
कोर्ट ने कहा कि पीड़िता के परिवार की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उसका दाह संस्कार पीड़िता और उसके परिवार का अधिकार था और पुलिस द्वारा जबरदस्ती किए जाने से उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ। अदालत ने आदेश दिया कि इसके लिए पुलिस और प्रशासन की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि जैसे आरोपियों का जुर्म साबित होने से पहले उन्हें दोषी नहीं माना जा सकता, वैसे ही पीड़िता के चरित्र का हनन करने का भी किसी को अधिकार नहीं। पूरे मामले में जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम की जवाबदेही पर भी अदालत ने प्रश्न चिन्ह खड़े किए और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सिर्फ जिला एसपी के खिलाफ कार्रवाई करने की आलोचना की। अदालत ने राज्य सरकार को डीएम के खिलाफ भी कार्रवाई करने और पीड़िता के परिवार को पूरी सुरक्षा देने का आदेश दिया। यूपी सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में एक और आपको हम खबर बताते हैं, उसमें यूपी सरकार ने हलफनामा दाखिल किया। इस मामले में कल यानी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से तीन बिंदुओं पर जवाब देने के लिए कहा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो जांच को सही तरीके से चलाने के लिए उचित आदेश जारी करेगा। अच्छा, वो बिंदु क्या है जो हलफनामे में पूछे हैं सुप्रीम कोर्ट ने? पहला, हम बताते हैं आपको पीड़ित परिवार और गवाहों को किस तरह की सुरक्षा दी गई है। दूसरा है, क्या पीड़ित परिवार ने अपने लिए वकील नियुक्त कर लिया है। तीसरा, इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला किस स्थिति में है। हाथरस मामले में आज लगातार दूसरे दिन भी सीबीआई की टीम पीड़िता के गांव पहुंचकर जांच आगे बढ़ा सकती है। सीबीआई अगले कई दिनों तक गांव में पीड़ित पक्ष और बाद में आरोपी पक्ष के लोगों से पूछताछ कर सकती है। इससे पहले मंगलवार को सीबीआई ने पहली बार गांव पर रुख किया और सीधे क्राइम सीन पर पहुंचकर पीड़िता के भाई और बाद में माँ के साथ 2.5 घंटे से ज्यादा का समय अपनी तफ्तीश को दिया। इस दौरान सीबीआई की टीम ने क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन करने के अलावा आसपास के बाजार के खेतों में सबूत ढूंढने की भी कोशिश की। क्राइम सीन के बाद सीबीआई की टीम लगभग आधा घंटा पीड़िता के शव जलाए जाने वाली जगह पर रही और वहां से सबूत इकट्ठा किए। इसके बाद सीबीआई की पूरी टीम पीड़िता के घर पहुंची, जिसके थोड़ी देर बाद पीड़िता के भाई को साथ लेकर पूछताछ के लिए। इस सारे प्रकरण को देखने से ऐसा लगता है कि पीड़िता को जल्द ही न्याय मिलेगा। अगर आपका कोई सवाल है किसी भी वीडियो पर तो वो हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं आप। और अगर आपको लगता है कि हमें किसी खबर की तो आपको विस्तृत जानकारी या विश्लेषण के साथ आपको बताना है तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दें, नमस्कार।